अरे भाई यार इंसाफ सही तरीका से भाई मेरा करके ना बच्चा ऐसा करता है जब गया जगह बात थी जी आपके अच्छा अजान दी नमाज जुम्मा पढ़ के नहीं आया बुला के लिया को घर सु हलवाई मार के फेंक दियो तो वह भाई की आखिर जान कैसे चलेगी मैं आप लोग बताऊंगा। आप यह वीडियो शेयर कर दीजिए और देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या चैनल पे इन्हें अरशद बिशरू ऑफिशियल चैनल है या पे तो मैं ठेठ मेवाती में ही बात करूँ और अगर कई भाई हिंदी पसंद है तो वो मेवात आज तक जाकर देख सके। और मेरे भाइयों ये इतना दुखद हादसा है इतनी दुखद खबर है वो तो लड़का जब बेचारो पेशाब करने रुक जावे है और जब वो पेशाब करने की नीयत से बैठो हो बाकी पीठ मुड़ रही तो वह टाइम हूँ कोई गाड़ी डंपर कुछ ना हो अब वह रास्ते से हटके थोड़ा सो मतलब जैसे साइड में बैठ के पेशाब कर रहा हो जैसे वह गांव का आदमी हम लोग बता रहे हैं फोन पर। पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार से डंपर आवा है और वो डंपर सीधो सट वही लड़का के ऊपर चढ़ जावा है। बेचारो बुरी तरह से वह डंपर के टायर के नीचे कुचल जावा है और वह की मौके पर मौत हो जावा है। कई दिन गुजर गया लेकिन वह पीड़ित परिवार का आंसू अभी तक नहीं सूखा है और वालू कैसे अब न्याय मिलेगा या कि जद्दोजहद में हम अब लग चुके हैं। आप सारे भाई भी वह पीड़ित परिवार है सपोर्ट करें और मैं भी सपोर्ट करूंगा और मैं उनके घर भी जाऊंगा उनके घर की हालत देखूंगा। जैसे बता रहे हैं लोग बाग की बरवा के कच्चे मकान है मकान के ऊपर जो छान है वो भी गली पड़ी है बहुत ज्यादा परेशान है बेचारे और वही कमाने वालों हो और वो डंपर चालक ने कुचल दी। अब यह है तो अल्लाह बेहतर जाने भाई वह डंपर वाले ने कोई दारू दुक्कड़ पी रखी नशे में हो या वह है कोई जान पूछ के ही वह दुश्मनी हूँ कि वह ने वो कुचल दियो या के बारे में तुम कुछ ना कह सका हाँ बिना जांच करे और यह चीज़ की जांच भी पुलिस करेगी पुलिस को काम है लेकिन हम तो पुलिस प्रशासन से यह बात कह वहाँ कि जाँच होनी चाहिए। अगर ये भाई प्री प्लान जान बूझ के मारो है तो बिल्कुल उल्लू सख्त सुसख्त सजा दी जाए जो कि एक मर्डर केस में हुआ है। अगर यू वास्तव में रोड एक्सीडेंट है और उन्हें जान पूछ के यू एक्सीडेंट ना करो गलती से यू एक्सीडेंट हुआ है तो फिर जो भी सरकारी पॉलिसी हुआ है या जो कंपनी के तहत जो भी कुछ बने हैं या गरीब परिवार लू उचित से उचित मुआवजा दिया जावे इनकी आर्थिक मदद करी जावे क्योंकि इनके घर की जो हालत है वो बद से बदतर है बहुत गरीब है। तो भाइयों बस मैं आप लोग यही खबर सुना लो आया हूँ वहाँ की मदद के लिए आप सारा भाई आ गया हूँ और बोलने में लिखने में अगर तुमने कोई कहीं कमी कोता या गलती नजर आवे तो मैं क्षमा चाहूँ क्योंकि मेरे पे भी इतनी ज़्यादा मेवाती बोलनी ना आवे जब मैं सीखूँगा और मैं बोलूँगा देख मेरी बात लाखों आदमी पर जावे है तो मेरे और बहन भाई भी मेवाती भाषा बोलूंगा सीखूंगा ताकि यू हमारी परंपरा चलती रहे। मेरा मकसद सिर्फ यू। हाँ जी मैं अरशद बिशरू बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब ये जो एक हादसा हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले। हाँ जी हुआ था जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी हुसैन लेन जी भाई साहब। गाँव? जी गाँव है जी। किस चीज से मरा था वो लड़का? ये भाई साहब ये डंपर से मतलब ये हादसा हुआ है और ये नांगल की साइड में ना हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे जी हमारा डांडा लगे है वहाँ वहाँ हुआ है इसका। और ये वो लोग तो बोल रहे थे कि बाथरूम कर रहा था वहाँ हाँ। और पीछे से गाड़ी चढ़ गई इसके ऊपर हाँ। नांगल में हुआ था ये। अच्छा तो इस गाड़ी चढ़ी थी सीधी इस पे ये इसमें ना हरियाणा की सीव लगती है जहाँ हाँ गाड़ी वाला कहाँ का वो गाड़ी वाला जी वो नांगल को ये जी रसीद नाम है उसका। एफआईआर होगी? हाँ एफआईआर होगी जी उसके नाम और अभी तक कोई काम वाम तक हाँ एफआईआर तो करवा दीजिए उसपे। कार्रवाई हुई है क्या? कार्रवाई तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई ना जी अभी तक कोई ना कोई पुलिस गई है ना कोई बात है उस अखबार से दे रखो। कितना बच्चे इसके मरने वाले कोई कारोबार ना जी कितना बच्चे ट्रैक्टर वैक्टर ने गाड़ी घोड़ा नहीं चला रहे और बालक ने पेट पाल रहे घर के हालात भी ज्यादा परेशान झोपड़ी जैसे घर पे से नौ बच्चा हो तो कुल मिला के हालात घड़ी खराब हो जाती पक्के मकान है गरीब है अभी इनकी झोपड़ी झोपड़ी भी गली पड़ी ऊपर।
दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।